Today we will start with ledger posting of sum number 4. Prompt number 4 का ledger posting. First entry जो है, first entry है cash account debit to capital account. First journal entry cash account debit to capital account. तो ledger posting करना है cash account डेबिट साइड, कैश अकाउंट डेबिट साइड, डेट वन टू कैपिटल अकाउंट 25,000, कैश अकाउंट डेबिट साइड डेट वन टू कैपिटल अकाउंट 25,000. अभी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड डेट मार्च वन बाय कैश अकाउंट 25,000. फर्स्ट एंट्री जो है, फर्स्ट एंट्री का लेजर पोस्टिंग कैश अकाउंट डेबिट साइड टू कैपिटल अकाउंट 25,000, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड डेट वन बाय कैश अकाउंट 25,000. सेकेंड जर्नल एंट्री है गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सेकेंड एंट्री गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसका लेजर पोस्टिंग गुड्स अकाउंट डेबिट साइड, गुड्स अकाउंट डेबिट साइड डेट मार्च 3 टू कैश अकाउंट 10,000. गुड्स अकाउंट डेबिट साइड डेट मार्च 3 टू कैश अकाउंट 10,000, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 3rd बाय गुड्स अकाउंट 10,000. सेकेंड एंट्री जो है, सेकेंड एंट्री है गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो लेजर पोस्टिंग किया गुड्स अकाउंट डेबिट साइड डेट 3 टू कैश अकाउंट 10,000, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 3 बाय गुड्स अकाउंट 10,000. थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट. थर्ड एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, इसका लेजर पोस्टिंग कैश अकाउंट डेबिट साइड डेट 7 टू गुड्स अकाउंट 3,000, कैश अकाउंट डेबिट साइड डेट 7 टू गुड्स अकाउंट 3,000, गुड्स अकाउंट क्रेडिट साइड, गुड्स अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 7 बाय कैश अकाउंट 3,000. तो थर्ड एंट्री जो है, थर्ड एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, लेजर पोस्टिंग कैश अकाउंट डेबिट साइड डेट 7 टू गुड्स अकाउंट 3,000, गुड्स अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 7 बाय कैश अकाउंट 3,000. फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री हरी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट. फोर्थ एंट्री हरी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, लेजर पोस्टिंग हरी अकाउंट डेबिट साइड
हरी अकाउंट डेबिट साइड डेट 10 टू गुड्स अकाउंट जर्नल एंट्री जो है फोर्थ एंट्री है हरी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। तो हरी अकाउंट डेबिट साइड डेट मार्च 10 टू गुड्स अकाउंट 1800। नाउ गुड्स अकाउंट क्रेडिट साइड, गुड्स अकाउंट क्रेडिट साइड डेट मार्च 10 बाय हरी अकाउंट 1800। जर्नल एंट्री है हरी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। तो लेजर पोस्टिंग हरी अकाउंट डेबिट साइड डेट मार्च 10 टू गुड्स अकाउंट 1800। गुड्स अकाउंट क्रेडिट साइड डेट मार्च 10 बाय हरी अकाउंट 1800। फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री है गुड्स अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। फिफ्थ एंट्री गुड्स अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। लेजर पोस्टिंग गुड्स अकाउंट डेबिट साइड डेट 15 टू हरी अकाउंट 90 rupees। हरी अकाउंट क्रेडिट साइड, हरी अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 15 बाय गुड्स अकाउंट 90 rupees। जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री है गुड्स अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। लेजर पोस्टिंग किया गुड्स अकाउंट डेबिट साइड डेट मार्च 15 टू हरी अकाउंट 90 rupees। हरी अकाउंट क्रेडिट साइड डेट मार्च 15 बाय गुड्स अकाउंट 90 rupees। नेक्स्ट एंट्री जो है सिक्स्थ एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। सिक्स एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। लेजर पोस्टिंग कैश अकाउंट डेबिट साइड डेट 18 टू गुड्स अकाउंट 500। गुड्स अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 18 बाय कैश अकाउंट 500। जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। लेजर पोस्टिंग कैश अकाउंट डेबिट साइड मार्च 18 टू गुड्स अकाउंट 500। गुड्स अकाउंट क्रेडिट साइड, गुड्स अकाउंट क्रेडिट साइड डेट मार्च 18 बाय कैश अकाउंट 500। लास्ट एंट्री जो है, लास्ट एंट्री है मार्च 27 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लास्ट एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेजर पोस्टिंग सैलरी अकाउंट डेबिट साइड डेट 27 टू कैश अकाउंट 2500। कैश अकाउंट क्रेडिट साइड
कैश अकाउंट क्रेडिट साइड डेट मार्च 27 बाय सैलरी अकाउंट 2500। तो लास्ट एंट्री जो है, लास्ट एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेजर पोस्टिंग किया है, सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है मार्च 27 टू कैश अकाउंट 2500। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा है डेट मार्च 27 बाय सैलरी अकाउंट 2500। तो दिस वाज द लेजर पोस्टिंग, दिस वाज द लेजर पोस्टिंग ऑफ सम नंबर 4। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। ये जो लेजर अकाउंट्स है इसका बैलेंसिंग करना है। कैश अकाउंट का डेबिट साइड टोटल, कैश अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 28,500। कैश अकाउंट डेबिट साइड टोटल 28,500। ये सेम लाइन पे क्रेडिट साइड लेना है। फ्रॉम दिस 28,500 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस क्रेडिट साइड फिगर्स। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 10,000 एंड 2,500। तो कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड है 12,500। तो फ्रॉम 28,500 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 12,500। तो 28,500 में से ये दोनों फिगर माइनस करना है, रिमेनिंग अमाउंट 16,000। डेट कितना है, मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैश अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 28,500। ये सेम लाइन पे क्रेडिट साइड पे लिया है। फ्रॉम 28,500 आई सब्ट्रैक्टेड द क्रेडिट साइड फिगर्स, द रिमेनिंग अमाउंट इज 16,000। ये 16,000 को डेट लिखा है मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कैरिड डाउन अपोजिट साइड पे लेना है, अप्रैल डेट 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000। ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है इसको अपोजिट साइड पे लिया है, अप्रैल 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000। नेक्स्ट अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड है 25,000। ये सेम डेबिट साइड पे लेना है। डेट कितना है 31 2 बैलेंस कैरिड डाउन 25,000। इसको अपोजिट साइड पे लेना है, अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल सेम डेबिट साइड पे लिया है, डेट लिखा है मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 25,000। अपोजिट साइड पे लिया है अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। गुड्स अकाउंट का बैलेंसिंग, गुड्स अकाउंट का डेबिट साइड ग्रेटर है, गुड्स अकाउंट का डेबिट साइड ग्रेटर है। तो गुड्स अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 10,090। ये सेम क्रेडिट साइड पे लेना है, और क्रेडिट साइड माइनस करके लिखना है डेट 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,090। में से ये गुड्स अकाउंट का क्रेडिट साइड माइनस करना है।
तो बैलेंस आ रहा है 4790। गुड्स अकाउंट का डेबिट साइड है 10090। ये 10090 में से ये क्रेडिट साइड माइनस किया है, डेट लिखा है मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4790। ये बैलेंस को अपोजिट साइड पे लेना है, अप्रैल 81 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 4790। तो गुड्स अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 10090, ये क्रेडिट साइड पे लिया, ये 10090 में से ये पूरा क्रेडिट साइड माइनस किया, माइनस करके आया मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4790। और ये बैलेंस को अपोजिट साइड पे लिया है अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4790। हरी अकाउंट का डेबिट साइड है 1800। हरी अकाउंट डेबिट साइड इज 1800, ये क्रेडिट साइड पे लेना है। एंड फ्रॉम दिस 1800 माइनस करना है 90 रुपीज, माइनस करना है, डेट कितना है 31 मार्च का लास्ट डेट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1710। ये बैलेंस को अपोजिट साइड पे लेना है अप्रैल 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1710। हरी अकाउंट का डेबिट साइड है 1800, ये क्रेडिट साइड पे लिया है, ये 1800 में से ये 90 माइनस किया है, तो 1800 माइनस 90 रिमेनिंग अमाउंट है 1710। इसको डेट लिखा है मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन, अपोजिट साइड पे लिया है अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सैलरी अकाउंट का डेबिट साइड है 2500, ये सेम लाइन पे क्रेडिट साइड मिलना है। सैलरी अकाउंट का डेबिट साइड 2500, ये क्रेडिट साइड मिल गया, डेट मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2500, अपोजिट साइड पे लेना है अप्रैल 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। सैलरी अकाउंट का डेबिट साइड 2500, ये क्रेडिट साइड पे लिया, सेम फिगर क्रेडिट साइड पे लिखा है, मार्च का लास्ट डेट 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन, अपोजिट साइड पे है अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस वाज द बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट्स। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द नेट ट्रायल बैलेंस। अभी नेट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं। कैश अकाउंट, ये जो कैश अकाउंट है, इस कैश अकाउंट में आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन है 16000। कैश अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन है 16000। ये डेबिट साइड पे, ये अमाउंट डेबिट साइड पे, तो नेट ट्रायल बैलेंस में कैश अकाउंट का अमाउंट डेबिट कॉलम में 16000। कैपिटल अकाउंट में अप्रैल 1 को लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25000। ये 25000 ये क्रेडिट साइड पे, अमाउंट क्रेडिट साइड पे, तो कैपिटल के सामने फिगर क्रेडिट कॉलम में 25000। गुड्स अकाउंट का अप्रैल 1 का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 4790। ये
अमाउंट डेबिट कॉलम में 4790। हरी अकाउंट का अप्रैल 1st का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1710। ये डेबिट साइड पे तो हरी अकाउंट का बैलेंस 1710 ऑन द डेबिट साइड, तो हरी अकाउंट का अमाउंट डेबिट कॉलम में 1710। और सैलरी अकाउंट का अप्रैल 1st का बैलेंस ब्रॉट डाउन 2500। ये 2500 डेबिट साइड पे, तो सैलरी अकाउंट का अमाउंट डेबिट कॉलम में 2500। दिस वाज द नेट ट्रायल बैलेंस। नाउ द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस ये आपका इक्वल आएगा 25,000। नेट ट्रायल बैलेंस का टोटल डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम ये इक्वल आएगा। तो नेट ट्रायल बैलेंस जो है इसका टोटल है आपका 25,000।